वुमेन्स बाहर निकलेगी तो वो उसका रोल नहीं है। वुमेन जस्ट बनी है तो किचन के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने घर को लेके, दैट्स इट, दिस इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी लड़कियां जो होती है अपने घर से लड़के निकलती हैं एजुकेशन के लिए भी, पता सिर्फ है नाजुक का लफ्ज हम औरत के लिए यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि भाई सिर्फ नाजुक का वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड भी है। नाजुक भाई, औरत नाजुक कैसे है? आप जो है सारे काम तो औरत करके दे रही है, ठीक है, चाइल्ड वर्ड भी कर रही है, घर की केयरिंग कर रही, तो आप सिर्फ नाजुक बोल देंगे उसको इस चीज़ पर? सिर्फ आहन बोला करें। Hello everyone, welcome to my podcast session episode 1. So today we talk about social and cultural norms in Pakistani society. In Pakistani society, many people say that women are just only made for kitchen, she just take care of their children, their husband, that's it. अगर कोई हमारी society में कोई एक लड़की बाहर जाकर काम करती है, so she face a lot of challenges in our society. सो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी में सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स वुमेन्स। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही टैलेंटेड गर्ल, बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं प्लस स्टूडेंट। तो उनसे उनकी स्टोरी सुनेंगे और उनकी स्टोरीज के थ्रू हम लोग इस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी में सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स कैसे हम लोग उसे ब्रेक कर सकते हैं, कि जो हमारी सोसाइटी ने एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए जो एक बैरियर्स खड़े कर दिए हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती, ये घर से बाहर निकल नहीं सकती। सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। सो प्लीज़ वेलकम विशाल रिज़वी। सो हेयर इज विशाल। आई नो, अस्सलाम वालेकुम विशाल, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। सो विशाल, आई नो अबाउट यू, राइट? सो टेल द ऑडियंस अबाउट योर सेल्फ, that who are you and what you do in your life? Hi, my name is Michelle and I'm a student of Karachi University and I'm also a social media influencer. Yes. Basically, मैं Instagram की blogger हूँ और along with it मैं studies भी कर रही हूँ। मैं अभी university में women's studies department में हूँ Karachi University में, और जो मैं 8th semester चल रहा है। Okay. So are you in 8th semester, you tell me? So आपकी thesis चल रही है, so आप 8th semester में, so आपके thesis तो रहे होंगे obviously thesis। So what topic you choose? मेरा जो टॉपिक है बेसिकली मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन पे है। Oh, wow. तो बेसिकली हम लोग इसमें कवर करें टैबूज और इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड बाकी चैलेंजेस वुमेन क्या फेस करती हैं, बैरियर्स फेस करती हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। सो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा आज का टॉपिक भी सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स के बारे में है वुमेन्स के। सो विशाल की स्टोरी और विशाल के थीसिस का टॉपिक भी इससे रिलेट करेगा। सो चलिए अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और विशाल, एज यू से कि यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट, प्लस स्टूडेंट, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, दैट व्हाट यू डू इन योर फ्यूचर? अगर आप इस सोशल मीडिया प्लस जो मेरी डिग्री इस सबको मिला के करें, तो अब मैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँ तो आई हैव वर्क विद सेवरल एनजीओस, ठीक है, एंड आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन एन हॉस्पिटल एज वेल, इन हॉस्पिटल एज वेल। सो अगर, और मैं कंटेंट राइटिंग भी की है मैंने। ओह वाओ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं पर्सनली जो हूँ एक एनजीओ में भी काम करना चाहूँगी, ठीक है, और जो है कंटेंट राइटिंग भी मैं अपना रखना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक राइटिंग और रीडिंग स्किल्स तो हर बंदे को आनी चाहिए। बाकी ये कि और सोशल मीडिया का यही है कि जैसे मेरा भी है कि मैं शायद कल को पॉडकास्ट सेशन करूँ, शायद कल को करूँ। असल में मुझे टाइम नहीं मिलता करने का, वरना मुझे अपने यूट्यूब चैनल को वापस से मतलब वापस करने का। यू हैव अ यूट्यूब चैनल? या आई हैव बट इट्स नॉट वर्किंग। ओके ओके, सो ऑल द बेस्ट, आई थिंक यू आपको करना चाहिए। सो हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव इन इंस्टाग्राम? I have 9,000 plus followers. Wow! Okay. So, as a social media influencer, जैसे कि हम अपना टॉपिक को भी साथ साथ कवर करेंगे, you are a social media influencer, yeah, right? So, do you face any restrictions from your family members? या फिर क्योंकि हर एक लड़की को परमिशन नहीं मिलती कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, कि कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। So, do you face any restriction? मेरे ख्याल से ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन हर लड़की फेस करती है, लड़के भी करते हैं, ठीक है, बट आई गेस लड़कियों में ज़्यादातर होता है। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने पहले मेरा काम प्राइवेट था और एक टाइम ऐसा रहा था कि मैंने बिल्कुल जीरो पोस्ट होते थे मेरे अकाउंट में, ठीक है,
फिर मैंने नॉर्मल प्राइवेट अकाउंट पिक्चर सपोर्ट करना स्टार्ट की एंड देन 2019 आया, मैं देखती थी लोगों को कि ना वो ब्लॉग्स बना रहे हैं और स्मॉल वीडियोस समझे हैं कि ना मिनी ब्लॉग इसको हम कह देते हैं, ये बाकी चीज़ें मैं देखती थी, मैं इंस्पायर होती थी। फिर मैंने देखा कि लोग जो है उनको PRs आते हैं और जब उनके 1000+ फॉलोअर्स होते हैं, अब तो खैर 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए फॉलोअर्स, फिर आपको ज़्यादा PR और बाकी प्रमोशन वगैरह मिलती है। तो मैं देखती थी, मैं इंस्पायर हुई, मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ। तो मैंने ग्रेजुअली ना अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक में कन्वर्ट किया। तो बट क्या ऑब्वियसली होता है कि फैमिली इतनी ईजिली नहीं मानी थी और अभी भी है मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं मैं नहीं कर सकती क्योंकि फैमिली की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी के जो है अगर आप मुझसे पूछें तो ये मेरा 2019 में स्टार्ट हुआ है ना, तो उसके हिसाब से आई गेस 9,000 फॉलोअर्स थोड़े कम है। लाइक 9,000 भी बहुत ज़्यादा है, इवन के लोगों के 50 भी बहुत मुश्किल से होते हैं 50। मैंने बहुत साल पहले, अब इवन के मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे जस्ट 5 सब्सक्राइबर्स थे, मैं उस पर भी बहुत खुश होती थी कि मेरे 5 सब्सक्राइबर्स हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 240 होने वाले हैं। सो ऐसा ऐसा ही इंसान ग्रो अप करता है, बट यू हैव 9,000, सो इट्स अ बिग फॉर यू, सो कंग्रेचुलेशंस। पर असल में बात यह है कि इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं होता। एग्जैक्ट। अब मैं जो हूँ, मैं एक बात क्यों कर रही हूँ, मैं अपने साथ के ब्लॉगर्स को देखते हुए बात कर रही हूँ कि उनके जो फॉलोअर्स हैं जी 50,000 से ज़्यादा है, कुछ के जो है 90,000 है, 20,000 प्लस है, तो मैं तो उनसे कंपेरिजन करके दे रही हूँ ना, बट इट डजेंट मीन कि मैं हार गई। सो ओके, सो इंस्टाग्राम पे जाहिर है आप पब्लिक अकाउंट है तो आपको मैसेजेस भी आते होंगे, सो डिड यू फेस एनी बैड कमेंट फ्रॉम द फॉलोअर्स? हाँ, कभी कभार DMs में भी आ रहे होते हैं ड्यू टू रिलेटेड टू के भाई आप कितनी मोटी हैं, इस तरीके के कमेंट आ जाते हैं। या फिर होता है मैं कोई वीडियो बना के डालूँ तो उसमें नीचे कमेंट कर रहे होते हैं नेगेटिव के, वो शक्ल कैसी लगी दी है ये समझी। सो मिशाल, एज वी टॉक अबाउट नेगेटिव कमेंट, so how do you handle it if you receive any bad comment? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले होता था जब शुरू शुरू में आते थे ना नेगेटिव कमेंट्स वगैरह, थोड़ा बहुत माइनर सा होता था कि यार ये मेरे बारे में से क्यों कह रहे हैं वो, बट अब तक तो मैं यूज्ड टू भी हो गई। दूसरी बात ये कि मैं इग्नोर कर देती हूँ या फिर उसका कमेंट रिपोर्ट कर देती हूँ, ठीक है। वैसे अब तो इंस्टाग्राम पर भी शायद ऑप्शन आ गया ना कि ये जो है अब सर लिख देते हैं मैंशन करके कि ये कमेंट्स इस तरीके के आए, तो वो मतलब पोस्ट ना हो आपकी पिक्चर के नीचे तो या पोस्ट के नीचे, सो इस तरह होता है। बाकी कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देती ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स ना देना उनकी ही बेइज्जती है, उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि हम अगर हमें कोई अगला बता रिस्पॉन्स नहीं कर रहा सो वो खुद ही चुप हो जाते हैं, नहीं करते दोबारा। सो विशाल, अगर हम लोग अपने टॉपिक को लेके चलें तो अगर हमारी सोसाइटी में कोई लड़की किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलती है, एज ए सेट इन द स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट के हमारी सोसाइटी कहती है कि अगर वुमेंस बाहर निकलेगी सो वो उसका रोल नहीं है, वुमेन जस्ट बनी है तो किचन के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने घर को लेके, दैट्स इट, दिस इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट कि अगर वुमेन जाती है तो निकलेगी भी ना तो वो कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करेगी, सो व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली इट्स अ सेट मेंटालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल और सोसाइटी, एंड दूसरी बात ये कि जो है लोग अगर बात करें ये इस बिकॉज ऑफ सम सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एज वेल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही सोशल कल्चरल नॉर्म्स की उगराई नहीं कर रही, हमारे कुछ सोशल और कल्चरल नॉर्म्स अच्छे भी हैं कि हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो हम लोग जो है हाथ, बेसिकली पाकिस्तान के मेहमान नवाजी में शुक्र हर जगह, ठीक है, तो हम लोगों से हाथ में लग के मिलते हैं, हम लोग मेहमान नवाजी करते हैं काफ़ी लोगों की, हमारे काफ़ी सोशल कल्चरल नॉर्म्स अच्छे हैं। एंड अरेंज मैरिज भी एक सोशल कल्चर नॉर्म ही है, तो ये हमारे सोशल कल्चर नॉर्म्स हैं। और ये जो बेसिकली पैट्रियार्की जो हमारे सोशल कल्चर नॉर्म्स में मौजूद है ना, ये सारी चीज़ें उसके वजह से होती हैं कि अब पेरेंट्स जो है लोग लड़कियों से को नहीं निकलना चाहते, निकालना चाहते क्योंकि दे नो अबाउट द सोसाइटी, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग पेरेंट्स इन दिस मैटर, क्योंकि आप जब तक ना खुद घर से नहीं निकलेंगे, ठीक है, ना अपनी लड़कियों घर से निकालेंगे, आपको सोसाइटी की रियलिटी पता ही नहीं। तो चैलेंजेस फेस औरतें ज़्यादातर करती हैं कि पहली बात तो ये कि काफ़ी, अगर आप जॉब की भी बात करें या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन की बात करें, काफ़ी लड़कियां जो होती हैं अपने घर से लड़के निकलती हैं एजुकेशन के लिए भी, इवन मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कियां हैं जो कि एजुकेशन के लिए लड़की निकली हैं अपने घर से, एंड वो दिन ब दिन एक जंग लड़ रही हैं। बाकी है कि अब जॉब की बात आ जाती है, ठीक है,
इजाज़त नहीं मिल रही, ठीक है, कि जो है तुम औरत तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो काम है घर देखना, बच्चे से मानना, अगर शादी नहीं हुई तो बस घर के काम करो और दिखाने के लिए कि भाई औरत से हम बोल देते हैं सिनफ़ नाजुक का लफ्ज़ हम औरत के लिए यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि भाई ये सिनफ़ नाजुक का वर्ड कोई अप्रोप्रिएट वर्ड भी है। नाजुक भाई औरत नाजुक कैसे है, आप जो है सारे काम तो औरत करके दे रही है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ भी कर रही है, घर की केयरिंग कर रही, तो आप सिनफ नाजुक बोल देंगे उसको इस चीज़ पर, सिर्फ आहन बोला करें, ठीक है। और बाकी ये कि जैसे हम औरत जो है घर से निकली है, अब देखो अब हर कैटेगरी की होती है, कुछ जिस तरह मिडिल क्लास होती है, कुछ जो है अपर क्लास होती है, ठीक है, तो जैसे हम मिडिल क्लास है जिस तरह जा रहे हैं बैंक में जा रही हैं लड़कियाँ अपनी जॉब के लिए या फिर बस में जा रही हैं, तो ऑब्वियसली दे फेस हैरेसमेंट, कुछ काफ़ी आंखें होती हैं बिल्कुल लोगों की जो स्टेयर करती रहती हैं, उसके बावजूद भी ये एक तरीके की जंग है जो औरत जीत है, मतलब जिसके लिए अभी तक स्ट्रगल कर रही है, हैरेसमेंट फेस करती है, उसने जो है उसके अगेंस्ट मतलब ले ही नहीं पाती स्टेप के यार हमारे यहाँ अगर हम लोग घर में बताएंगे तो हमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कि नहीं नहीं निकलो घर से। एंड या बाकी जो बंदा औरत ऑफिस जॉब में होती है तो उसके वर्क को मतलब वैल्यू नहीं दी जाती, उसके पे इक्वल पे भी नहीं दिया, इक्वल पे का भी प्रॉब्लम है, और उसके काम को अहमियत नहीं दी जाती। जो कोवर्कर्स होते हैं वे लोग कह रहे थे इनसे क्या हो गए, तो औरतें हैं छोड़ो, लड़कियों को तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल। सो या सो मिशेल, वेरी नाइस पॉइंट ऑफ व्यू, बट सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रेस कोड ऑफ वुमेन? हमारी सोसाइटी कहती है कि अगर वुमेन बाहर निकलेगी सो शी जस्ट वेयर अबाया, दैट्स इट, अगर नहीं तो आप घर में बैठो। सो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इज इट राइट? क्योंकि ये जो सोसाइटी ने एक औरत के लिए बना दिए बैरियर्स, ये ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। टुडे इफ़ यू टॉक अबाउट इट, सो इट्स मीन कि अगर कहीं ना कहीं हम 100% तो ये चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम लोग 10-20% तो लोगों को एक पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं, इस नेगेटिव माइंड को रिमूव कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द ड्रेस कोड ऑफ वुमेन, कि क्या सही है या इज इट रॉन्ग? इस चीज़ को भी हम लोग अपने सोशल कल्चरल नॉर्म्स से जोड़ेंगे, ठीक है, इन आर सोसाइटी सोशल कल्चरल नॉर्म्स, या मतलब जोड़ के बता रहे हैं। तो बेसिकली सोसाइटी जो हमारे जो ड्रेसिंग इस तरह कहते हैं स्कार्फ एंड अबाया पहन लो घर से बाहर जा रही हो, या फिर इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग स्कार्फ एंड अबाया तो आप जो है आपका सर कवर हो और आपको शलवार कमीज पहनी, मॉडर्न ड्रेसिंग की हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडेस्टी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी ने मॉडर्न ड्रेसिंग नहीं की तो हम लोग उस पर जजमेंट पास करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे कि भाई ट्रू जजमेंट बिलोंग्स टू अल्लाह सुभाना व तआला, ठीक है। तो अब ये बोल देते हैं ना जिस तरह आपको पता होगा कि हम लोग देखते हैं कि अब टी वी पर आता है हैरेसमेंट का या कुछ बड़ा केस होता है, तो सबसे पहले एक सवाल था लड़की ने कपड़े क्या पहने हुए थे। भाई पहली बात तो है कि हैरेसमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद ड्रेसिंग, ठीक है। मैं अगर आप मेरी बात करें, एक दफ़ा मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट किस्सा सुनाती हूँ, छोटा सा। आई वॉज वेयरिंग अ बाया एंड आई कवर्ड माई हेड, तो और मैं जा रही थी तो जो है मतलब मुझे एक बंदे ने फॉलो किया और मतलब पीछे से कॉमेंट्स पास की, कोई अच्छे कॉमेंट्स नहीं दिए उस बंदे ने, खैर मैं इग्नोर करके निकल गई उसके बाद मतलब दूर ना, तो लेकिन आई वॉज वेयरिंग अ बाया, ठीक है। मैं ड्रेसिंग के मामले में कुछ नहीं मतलब मैं इस तरह कुछ नहीं कह रही कि भाई अबाया पहने, हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं अगर आप शलवार कमीज भी पहनेंगे, अगर आप वेस्टर्न ड्रेसिंग भी करेंगे, अगर आप अबाया भी पहनेंगे, फिर भी कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडेड पीपल हैं हमारी सोसाइटी में, वो आपको टॉन्ट जरूर करेंगे। टॉन्ट बिल्कुल, और इस तरीके से हम लोग ड्रेसिंग की हमारी सोसाइटी में बेसिकली ड्रेसिंग की बेसिस पर जज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी लड़की ने जैसे फॉर एग्जांपल जीन्स टी शर्ट पहनी हुई है तो उसको बुरा समझेंगे, हालांकि टू बी ऑनेस्ट हमें ड्रेसिंग के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे जिनकी ड्रेसिंग प्रॉपर अगर नहीं भी होती बट वो दिल से जो है, और मैंने देखा वो काफ़ी अल्लाह तआला के करीब ज़्यादा होता है। हम लोग इंसान को अंदर से नहीं देखते, जस्ट ऊपर से देखते हैं, अगर ये ऐसा है तो ये तो ऐसा ही होगा, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग अपने पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सोशल वैल्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने बात की कि हम ड्रेसिंग के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग लोगों के माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे, बट नाउ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन। क्या एक लड़की को प्रॉपर एजुकेशन मिलती है जैसे कि एक मेल को मिलती है? क्या उसे एजुकेशन के लिए बिल्कुल आगे फ्री भेज दिया जाता है या नहीं? सो व्हाट इट इज़,
पहली बात तो ये कि हम लोग इवन मिडिल क्लास देखें अपर क्लास देखें विमेन की एजुकेशन का प्रॉब्लम हर जगह। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अपर एलीट क्लास हो तो यार इनके तो इनको सारी फैसिलिटीज हैं। काफ़ी अपर एलीट क्लास के लोग भी अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। एजुकेशन की बात है तो काफ़ी लड़कियां, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अपने घर से जंग लड़के आती हैं एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए। एंड यस, औरत की जो है पढ़ाई पे सवाल उठता है कि यार ये पढ़ के क्या करना है, ना तो घर ही से मानना है, ये खाना ही बनाना है। ये बात वो ही घूम फिर के आ जाती है कि वुमेन आर जस्ट मेड फॉर किचन। यस, वुमेन आर जस्ट मेड फॉर किचन। बाकी बोलते हैं कि इवन आप देखो अगर हम लोग स्कूल लाइफ की बात करें या फिर उसकी, काफ़ी आदमियों का सब माइंड सेट को दुरुस्त करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में होती थी इवन मैं फोर्सेस की स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल्स भी पढ़े हैं, बट उसके बावजूद वहाँ आदमी ऐसे बोलते थे कि मतलब जो लड़के होते थे भाई वो थे तो छोटे हैं ठीक है, लेकिन उनका दिमाग उस देखो उसी एज से जो थे उनका दिमाग ऐसे सेट किया गया है कि वो इस तरह ही बात कर रहे होते थे कि तुम लड़कियों ने पढ़ लिख के करना क्या है, घर से मारना है, झाड़ू पोछा ही करना है। बिल्कुल, मतलब देखो सबसे पहली बात तो अगर हमें एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी तो अपना घर चलाएगी। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी गर्ल्स को एजुकेट करें, उन्हें प्रमोट करें एजुकेट के लिए। अगर हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर एक लड़की भी मोटिवेट होती है सो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस, राइट? सो विशाल, एट द एंड आई जस्ट से व्हाट इज योर मैसेज टू आवर ऑडियंस, मेल एंड फीमेल बोथ? ओके, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी प्रोडक्टिव, क्योंकि ये आपकी जो यूथ और ये यंग एज है ये वापस नहीं आएगी। और बाकी ये कि मैं जो हमारा टॉपिक रहा है उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि विमेन के काम को भी आप लोग वैल्यू दें, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनकी जो बात करी है उसको वैल्यू दें, एंड इंशाल्लाह इट विल वर्क। एंड फिर जो है हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा अगर दोनों मर्द और औरत साथ काम करेंगे, साथ चलेंगे, तो हमारा मुल्क यकीनन तरक्की करेगा एंड बी प्रोडक्टिव। सो मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो आई रियली होप कि मिशाल की स्टोरी ने आप सबको इंस्पायर किया होगा, बिकॉज हमने कोशिश ये की है कि हम मिशाल की स्टोरी के थ्रू अपने इस टॉपिक को कवर करें। सो आई रियली होप कि एक नहीं, दो नहीं, 10 लड़कियाँ इसी से इंस्पायर हुई हों। वो अगर कोई पेरेंट अपनी बच्ची को या बच्चे को, नॉट गर्ल्स, वी टॉक अबाउट नॉट गर्ल्स, बट दोनों को ही एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी बेटी को नहीं भेज रहे या बेटे को नहीं भेज रहे, तो मे बी हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू वो पेरेंट्स मोटिवेट हो जाएं, बिकॉज हमारी सोसाइटी एजुकेशन से ही चलेगी। बिकॉज जिस तरीके से हमारी सोसाइटी का आजकल इन्वायरमेंट हो रहा है, सो भी किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। If we are here to talk about it, so हमें देख के कोई और भी बात करेगा, उन्हें देख के कोई और बात करेगा। हमारी ये पॉडकास्ट आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, बट कोई ना कोई इससे इंस्पायर ज़रूर होगा। सो आई रियली होप यू लाइक इट, और इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड डू लाइक एंड डू शेयर डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन, एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट और आगे किस टाइप के हम पॉडकास्ट करें, सो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड डू फॉलो सैयदा स्प्रिंकल्स ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज सैयदा_स्प्रिंकल, सो डू फॉलो मी। आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।